हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव ट्रांसलेशन ऑफ लेसन 3 तारोज रिवार्ड क्लास 6 इंग्लिश। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दिस इज अ स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। यह एक स्नेही और प्यार करने वाले पुत्र की कहानी है जिसमें वह बहुत मेहनत करता है अपनी माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प और कुछ उसे अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड मीन्स कुछ जिसकी आशा न की हो ऐसी सहायता भी मिलती है उसको। तारो रिवार्ड, पहला पैराग्राफ देखते हैं। ए यंग वुड कटर नेम्ड तारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ओनली लोनली हिज साइड। एक तारो नाम का युवा लकड़हारा अपने माता पिता के साथ एक एकांत पहाड़ी पर रहता है। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, जंगल में वह पूरे दिन लकड़ी काटता है। थो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटल मनी, जबकि वह बहुत मेहनत करता है परंतु उसे पैसा बहुत ही कम मिलता है, मतलब बहुत ही कम पैसा कमा पाता है वह। दिस मेड हिम सैड, इससे उसको काफ़ी उदासी होती है। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, क्योंकि वह एक विचारशील पुत्र था और वह अपनी माता पिताओं की हर इच्छा को पूरा करना चाहता था, जो भी उनको जरूरत थी, एवरीथिंग दे नीडेड। वन इवनिंग, एक शाम, व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सीटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट, एक शाम जब तारो और उसके माता पिता चौपड़ी के कोने में बैठे हुए थे। ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, एक तेज हवा बहने लगी। इट विशल थ्रो द क्रैक्स ऑफ द हट, यह जो झोपड़ी है उसकी दरारों में से हवा जो है तो झोपड़ी की दरारों में से सीटी की आवाज़ करती हुई बह रही थी। एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, हर किसी को ठंड लग रही थी। सडनली तारोज फादर सेड, अचानक तारो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक, काश मुझे एक शेक होता है, एक जापानीज ड्रिंक होती है, मतलब शराब की तरह। शेक मीन्स जापानीज ड्रिंक, इसको हम साके बोलेंगे, इसमें पूरे लेसन में ये वर्ड आएगा, साके बोलेंगे इसको, ठीक है। एक मतलब पेय पदार्थ होता है जिससे पीने से शरीर में गर्मी हो जाती है। आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक, काश मुझे एक कप साके मिल जाता। आई वुड इट वुड वार्म मी, और इससे मुझ में गर्मी आ जाती। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरा बूढ़ा दिल भी अच्छा हो जाता। मीन्स क्या है, जो तारों का पिता वो इच्छा प्रकट कर रहा है कि काश मुझे एक कप साके मिल जाता तो मेरे शरीर में गर्मी आ जाती और मैं इस ठंड से लड़ पाता। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, इससे तारो काफ़ी उदास हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, दिल को गर्म कर देने वाली साके काफ़ी महंगी थी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, तारो ने अपने आप से पूछा, मैं कैसे ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। हाउ डू आई गेट ए लिटल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं बेचारे बूढ़े पिताजी के लिए कैसे साके प्राप्त कर सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने पहले से ज़्यादा और मेहनत करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल, तारो मतलब अगली सुबह पहले से जल्दी उठा। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ चल पड़ा। ही चॉप्ड एंड कट, उसने लकड़ियों को काटना शुरू कर दिया। चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ब, और जैसे जैसे सूर्य चढ़ता गया वो लकड़ी काटता गया। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट्स, और जल्दी वह इतना गर्म हो गया कि उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुँह सूख गया था। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वीट, और उसका मुँह पसीने से गीला हो गया था। माय पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, उसने सोचा, मेरा बेचारा बूढ़ा पिताजी, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश वह भी इतना गर्म हो जाता जैसे कि मैं गर्म हो चुका हूँ। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और यह सोचकर वह पहले से भी ज़्यादा तेज लकड़ी काटने लग गया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही हैड मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, यह सोचकर कि उसको अतिरिक्त पैसा कमाना है और साके खरीदना है अपने पिताजी के लिए, जिससे बूढ़े आदमियों के हड्डी में जान आ सके, या ऐसा ही बोला गया इसमें। चलो आगे देखते हैं। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, तभी अचानक तारो ने लकड़ी काटना बंद कर दिया। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड, यह कैसी आवाज़ थी जो उसने सुनी थी। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, शायद यह पानी की गिरने की आवाज़ हो सकती थी। तारो कुड नॉट रिमेंबर, तारो का यह कभी याद नहीं था, एवर सीइंग और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, तारो को यह याद नहीं था या कभी भी देखा या सुना नहीं था कि इस जंगल के इस भाग में भी कोई धारा बहती है या मतलब पानी गिरता है या कोई झरना है। तारो ने ना ही तो कभी देखा था या नहीं तो कभी सुना था कि जंगल के इस इलाके में धारा बहती है। ही वॉज थर्स्टी, वह प्यासा था। द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स,
कुल्हाड़ी उसके हाथों से गिर गई एंड ही रेन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वह आवाज़ की दिशा में भागा गया। तारो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक, तारो ने चट्टान के पीछे से एक सुंदर झरना देखा। नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, वहाँ घुटने टेक कर बैठ गया जहाँ पानी गिर रहा था। ही कप्ड ए लिटल इन हिज हैंड्स, उसने अपने हाथों में पानी भरा एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और इसको अपने होठों तक लेके आया। वाज इट वाटर, क्या यह पानी था, और वाज इट सेक, या यह साके था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने बार बार उसका स्वाद चखा, जो पानी मतलब झरने से गिर रहा था उसका स्वाद उसने बार बार चखा। एंड ऑलवेज इट वाज द डिलीशियस सेक, और यह हमेशा एक स्वादिष्ट साके था, इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी की बजाय। मतलब जैसे जैसे तारो पानी पी रहा था वो तो उसको टेस्ट साके का टेस्ट आ रहा था। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम, तारो ने जल्दी से वह घड़ा भर लिया पानी का जो उसके साथ था, जो उसके साथ ले गया था अपने साथ। एंड हरीड होम, और जल्दी से घर पहुंचा। द ओल्ड मैन वाज डिलाइटेड विद द सेक, बूढ़ा आदमी साके पाकर काफ़ी खुश हुआ। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड, उस तरल पदार्थ के साके की एक घूंट पीते ही स्टॉप्ड शिवरिंग, उसने कांपना बंद कर दिया। किसी ने कांपना बंद कर दिया, तारो के पिताजी ने। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और फर्श के मध्य कुछ डांस किया, थोड़ा सा नृत्य किया। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को ए नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर ए विजिट, एक मतलब पड़ोसी है उनके यहाँ आया। तारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द सेक, तारो के पिताजी ने विनम्रता से उसे एक कप साके दिया। द लेडी ड्रैंक इट, औरत ने उसे पी लिया ग्रीडीली जल्दी से। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तभी तारो ने उसे जादुई झरने की कहानी बताई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस सेक, स्वादिष्ट पेय पदार्थ देने के बाद, धन्यवाद करने के बाद, सी फेल्ट इन हरी, वह जल्दी से सी लेफ्ट इन हरी, वह जल्दी से वहाँ से निकल गई। बाय नाइटफॉल, रात होने से पहले, सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, उसने वह कहानी पूरे गांव में फैला दी। दैट इवनिंग, उस शाम, देर वाज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस, उस शाम लकड़हारे के घर पे मतलब बहुत भीड़ लगी रही आगंतुकों की, मतलब जो यात्रा करने वाले होते ना उनके आने जाने वालों की काफ़ी भीड़ लगी रही लकड़हारे के घर पर, क्योंकि उनके घर पे साके था। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, प्रत्येक आदमी ने झरने की कहानी सुनी। एंड टू केसी पॉप द सेक, और साके के एक एक घूंट ली। इन लेस देन एन आवर, एक घंटे से पहले ही द पिचर वाज एम्प्टी, घड़ा खाली हो गया, जो साके का घड़ा था वो एक घंटे पहले ही ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ लोग आ रहे थे बहुत ज़्यादा गाँव से। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, अगली सुबह तारो बहुत जल्दी उठा, सुबह होने से पहले ही वह अपने काम के लिए चल पड़ा। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर्स, वह अपने साथ अब बहुत मतलब जो पहले से उसके पास था बड़ा घड़ा लेके गया पानी का। फॉर द इंटेंटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, उसने सबसे पहले झरने के पास जाने का प्लान बनाया था। When he reached it, जब वह वहाँ पहुँचा, he found to his great surprise all his neighbors there, उसे काफ़ी हैरानी हुई क्योंकि सभी उसके पड़ोसी वहीं थे। They were carrying pitchers, jar, buckets, anything they could find to hold magic sack, उनके पास घड़िए थे, घड़े pitchers में घड़े होते हैं मिट्टी का जो बना होता है, जार थे, बाल्टी थी, मतलब जो भी उनको मिला ना साके लाने के लिए वो ले आए अपने पास, जो भी उनके हाथ लगा। Then one villager knelt, तभी एक विलेजर्स, एक ग्रामीण वहाँ अपने घुटनों पे नीचे बैठा साके पीने के लिए, पानी पीने के लिए जाने के नीचे। एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और अपना मुंह आगे किया झरने के आगे किया पानी पीने के लिए। ही ड्रिंक अगेन एंड अगेन, उसने बार बार पानी पिया। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और गुस्से से चिल्लाया, वाटर, यह पानी है, नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं पानी है। अदर्स आल्सो ट्राइड, दूसरे लोगों ने भी पानी पिया, कोशिश की। बट देर वॉज नो सेक, परंतु वहाँ कोई साके नहीं था, ओनली कोल्ड वाटर, केवल ठंडा पानी था। तो यहाँ से हमें देखने को यह मिल रहा है कि जो झरना है वो तारों को साके दे रहा है, मतलब साके पेय पदार्थ है, जो जैसे मतलब तारो वहाँ पे आता है पानी भरने आता है तो उसको साके मिल रहा है, और जो ग्रामीण आए हुए उनको मतलब वहाँ से झरने से केवल ठंडा पानी मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। आगे देखते, वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें
ठगा गया है या हमारे साथ धोखा हुआ है या चलाकी खेली गई है। शाउटेड द विलेजर्स, ग्रामीण चिल्लाए, वेयर इज तारो, तारो कहाँ है, लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटर बॉल, आओ इस तारो को यहाँ लेके आओ और इस झरने में डुबो दो उसको, ड्रोन मतलब उसको डुबोना। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ, परंतु तारो काफ़ी बुद्धिमान था, टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक, वह एक चट्टान के पीछे छिप गया, व्हेन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग, जब उसने देखा मामला गड़बड़ हो रहा है तो वह चट्टान के पीछे छिप गया, ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वह कहीं नहीं मिला उन ग्रामीण वालों को। मटरिंग देयर एंगर, गुस्से में बड़बड़ाते हुए, एंड डिसअपॉइंटमेंट और निराशा में, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, ग्रामीण एक एक करके वहाँ से चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, तारो अपने छुपे हुए स्थान से बाहर आया, वाज इट ट्रू, क्या सच था, ही वंडर्ड, वह हैरान हुआ, वाज द सेक ए ड्रीम, क्या साके एक सपना थी। वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, फिर एक बार उसने अपने हाथ में थोड़ा सा लिक्विड लिया, साके लिया, पानी लिया, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और इसको अपने होठों तक लेके गया। इट वॉज द सेम फाइन सेक, यह वही साके था, टू द थॉटफुल सन, विचारशील पुत्र के लिए, द मैजिक वाटरफॉल, जादुई झरना, गेव द डिलीशियस सेक, जादुई झरना है वो विचारशील पुत्र को क्या दे रहा था, एक स्वादिष्ट साके दे रहा था। टू एवरी वन एल्स, और दूसरों के लिए, इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, मतलब दूसरों को यह केवल ठंडा पानी दे रहा था। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रिच द एम्पायर ऑफ जापान, जापान स्टोरी है, जो तारों की कहानी है और जादू झरने की कहानी है, वो जापान के सम्राट के पास पहुंच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उसने युवा लकड़हारे को बुलावा भेजा, एंड रिवार्डेड हिम, और उसे इनाम दिया, विद 20 पीसीज ऑफ गोल्ड, उसको मतलब इनाम में 20 सोने के सिक्के दिए, फॉर हैविंग बीइंग सो गुड एंड काइंड, इतना दयालु और अच्छा बनने के लिए राजा ने या सम्राट ने, जापान के सम्राट ने तारों को 20 सिक्के दिए सोने के। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. फिर उसने जो शहर के अंदर सबसे सुंदर फुहारा था उसका नाम तारो के नाम पे रखा। This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. सम्राट का कहना था कि उसने यह काम सभी बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा मानने और उनका सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया है। So, बच्चों हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।